A nationality is the status of a person who is attached to a state by the tie of the alliance. तो ये किसी मुल्क किसी आदमी का किसी स्टेट के साथ कनेक्शन को कहते हैं नेशनैलिटी, ठीक है ना। जैसे हम पाकिस्तानी हैं, हमारा पाकिस्तान में रहन सहन है और हमारा यहीं का आईडी कार्ड है। सब लोग यानी कि जो पाकिस्तान का आईडी कार्ड रखते हैं वो एक उसके पास एक सबूत है कि वो पाकिस्तान से के शहरी और यहीं पर रहते हैं। मीनिंग इसका ये आ गया कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके लिए डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू ओपनहेम हाइड और टेंडन के पाल लें डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनैलिटी राइट ऑफ नेशनैलिटी, यानी कि जो भी हक उनको स्टेट दे रही है हर इंसान जो एक नेशनल कहलाता है नेशनैलिटी रखता है वो उसको हासिल कर सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनैलिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट हो उसकी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ स्टेट हो यानी कि ज्यूरिसडिक्शन करे स्टेट प्रैक्टिस ऑफ स्टेट ड्यूरिंग वार यानी कि जो है वो वार के दौरान भी वो उसको जवाब कर सके रिफ्यूज़ल ऑफ एक्स्ट्राडाइट उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट आ जाती है कि वो जो हकूक दे रही है अपने लोगों को वो दे और जो भी हार्मफुल एक्ट हैं कमिटेड बाय देयर नेशनल लिस्ट और इफ़ दे अलाउ देम टू कमिट सच अ हार्मफुल एक्ट बेसिस ऑफ नेशनैलिटी। इसका बेस यही है कि जो आदमी जहाँ पर रहता है वो उसका नेशनल कहलाएगा, वो इंटरनेशनल लॉ भी इस्तेमाल कर सकता है और जो है वो कॉमनवेल्थ को भी इस्तेमाल कर सकता है। मूड्स ऑफ एक्यूजिशन बाय बर्थ यानी कि जो लोग एक मिसाल पाकिस्तान में पैदा हुए थे वो यही कि उनको कुदरती तौर पर नेशनैलिटी मिलेगी। काइंड ऑफ नेशनल बाय बर्थ नेशनैलिटी अच्छा जी उसके बाद में बाय नेचुरलाइजेशन यानी कि जो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस विद इन अ पर्सन हु इज लिविंग अ फॉरेन स्टेट यानी कि जो आदमी जिसके बाप दादा इधर पाकिस्तान को जो पाकिस्तान में पैदा हो और बाहर चला गया वो भी इसको भी हासिल होगी मैरिज करके शादी करके यानी कि अगर आप यानी कि लेना चाहते हैं तो वो शादी करके भी ले सकते हैं किसी मुल्क की, ठीक है ना। ऑप्शन भी हो सकते हैं डोमिसाइल करके भी गवर्नमेंट सर्विसेज परमिशन बाय स्टेट टू अप्लाई बाय रिजम्पशन उसके बाद में बाय सब्जुगेशन उसके बाद में बाय कैसेशन ये सब इसके मूड आ गए किसी मुल्क की नेशनैलिटी हासिल करने के, ठीक है। लूजिंग नेशनैलिटी कैसे की जाती है यानी कि उसको आप छोड़ देते हैं खुद ही छोड़ देते हैं, ठीक है ना। डिप्राइवेशन आप महरूम हो जाते हैं उससे, जब आप ये महरूम हो गए तो फिर भी रेजिडेंस अबॉर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड रिनाउंसिएशन सब्सटीट्यूशन डिफरेंस बिटवीन नेशनैलिटी एंड सिटीजनशिप एज टू रिलेशन नेशनैलिटी इज रिलेशन बिटवीन द नेशनल एंड स्टेट सिटीजन रिलेशन बिटवीन द पर्सन एंड द स्टेट। कौमियत और इंडिविजुअल में बहुत फ़र्क होता है, ये सवाल में बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट उठाया गया है। एज़ टू राइट वो नेशनल लेवल की करेगा वो स्टेट लेवल की, एज़ टू स्कोप नेशनल का ज़्यादा है स्टेट का कम है सिटीजनशिप का। नेशनल कंक्लूजन में कह सकते हैं कि नेशनल जो है वो किसी मुल्क की रिहाइश के जो बशिंदे होते हैं वहाँ पर उनको वो नेशनल कहते हैं।